गांव में बिना खेती बाड़ी के ऐसे करें शानदार कमाई। इस योजना में बिजनेस के लिए मिलेंगे 3,75,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, जिससे आप आसानी से न सिर्फ बिजनेस शुरू कर सकते हैं बल्कि अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का नाम है सॉयल हेल्थ कार्ड योजना। अगर आप भी एग्रीकल्चर फील्ड में अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने ये योजना की शुरुआत की है, इससे आप आसानी से न सिर्फ बिजनेस शुरू कर सकते हैं बल्कि अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसे में इस योजना से गाँव के उन लोगों को काफी फायदा हो सकता है जो अभी रोजगार की तलाश कर रहे हैं। साथ ही ये उन लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है जो कुछ अलग हट के रोजगार करना चाहते हैं। ऐसे में आप इस तरह रोजगार कर सकते हैं और इससे आपको जल्द ही मुनाफा होना भी शुरू हो जाता है। क्या है ये स्कीम और इससे कैसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं? स्कीम के जरिए गांव स्तर पर मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब स्थापित करनी होती है और फिर इस लैब के जरिए अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अभी देश में किसान परिवारों की संख्या के मुकाबले लैब बहुत कम है, इसलिए इसमें रोजगार का बड़ा स्कोप है। यहाँ क्या होता है? यहाँ खेत की मिट्टी जांच की जाती है। इससे जांच करवाकर उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में पता लगाया जाता है और इससे फिर इसमें सुधार किया जा सकता है। मिट्टी नमूना लेने, जांच करने एवं सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 300 प्रति नमूना प्रदान किया जा रहा है। यहाँ मिट्टी की जाँच होने के बाद पता चल जाता है कि आपको खेती के टाइम कितनी खाद डालनी है और कौन सी फसल उगानी चाहिए। साथ ही इससे खाद आदि को लेकर और भी कई जानकारी पता चल जाती है। कौन खोल सकता है ये लैब? इस योजना के जरिए 18 से 40 वर्ष तक की उम्र वाले ग्रामीण युवा ये लैब खोल सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार को एग्री क्लिनिक कृषि उद्यमिक प्रशिक्षण के साथ द्वितीय श्रेणी से विज्ञान विषय के साथ मैट्रिक पास होना आवश्यक है। कितना होता है खर्चा? वैसे इस तरह की कोई भी लैब स्थापित करने के लिए करीब 5,00,000 रुपए का खर्चा होता है, लेकिन इस योजना का फायदा लिया जाए तो आपको इसका 75% पैसा सरकार की ओर से मिलता है। यानी सरकार आपको इसका 3,75,000 रुपए देती है। इसके बाद आपको सिर्फ 1,25,000 रुपए ही खर्च करने होंगे। वहीं अगर कमाई की बात करें तो इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। कहाँ करना होगा संपर्क? लैब बनाने के इच्छुक युवा, किसान या अन्य संगठन जिले के कृषि उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक या उनके कार्यालय में प्रस्ताव दे सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर संपर्क भी कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर में भी आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी पाने के लिए। सरकार जो पैसा देगी उसमें से 2,50,000 रुपए जांच मशीन, रसायन और प्रयोगशाला चलाने के लिए अन्य जरूरी चीजें खरीदने पर खर्च होगी। कंप्यूटर प्रिंटर, स्कैनर, GPS की खरीद पर 1,00,000 रुपए खर्च होंगे। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।